मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में आपने दो समतलों के समीकरण पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था समतल का अभिलंब रूप, जिसमें मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब का सदिश और मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई दी गई थी। तो उसका समतल का समीकरण क्या होगा, ये लास्ट क्लास में आपने स्टडी किया था। दूसरा आपने ये पढ़ लिया था कि एक बिंदु से जाने वाले और एक दिए हुए सदिश के लंबवत समतल का समीकरण क्या होगा, उसको भी आपने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब क्या है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नॉन कोलिनियर मतलब असंरेख बिंदु होंगे, संरेख नहीं होंगे। तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण, तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। तीन असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण। हम ये क्यों कह रहे हैं कि तीन असंरेख बिंदु, संरेख क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? देखो, इसलिए संरेख नहीं कह रहे हैं, आप खुद थोड़ा सा सोचिए, अगर तीन पॉइंट हो और तीन पॉइंट संरेख हो, संरेख अगर होंगे तो उनसे गुजरने वाले असंख्य समतल बन सकते हैं। कैसे असंख्य समतल बन सकते हैं? देखो, ऐसे असंख्य समतल बन सकते हैं कि जैसे ये तीन बिंदु आपस में संरेख हो गए, अब इनसे गुजरने वाला एक समतल ये हो गया, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, चारों तरफ से मिला के आप असंख्य समतल बना सकते हैं। तो अगर तीन बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं, तो उन तीन बिंदुओं से गुजरने वाले असंख्य समतल बन सकते हैं। कुछ बात समझ में आई आपको? भाई अगर ये तीनों बिंदु लीनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन में पड़ते हैं, तो इन तीन बिंदुओं से मिलाकर हम असंख्य समतल बना सकते हैं। कैसे, आप देखो ना, एक प्लेन ऐसे गुजर जाएगा, एक ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारे प्लेन उस तीनों लाइन से गुजर जाएंगे। इसलिए हम तीन लीनियर पॉइंट्स नहीं लेते हैं, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं। ऐसे तीन बिंदु जो असंरेख हो, उनसे केवल और केवल एक समतल पास हो सकता है। तो वो जो एक समतल पास होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। अब देखिए, मैं फिगर बना के उसको दिखाऊंगा, आप गौर कीजिएगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं यहां, ये एक्स वाई और ये जेड, ठीक है ना। समतल बना लीजिए, कैसा भी समतल बना लीजिए, ऐसा हमने एक समतल बना लिया, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई और जेड एक्सेस हैं, ये ओरिजिन पॉइंट हैं, और ये हमने एक समतल बना लिया। जैसे हम कल भी बता रहे थे कि अगर वो ओरिजिन मानो तो एक समतल कहीं पर भी ऐसा आप रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब इस समतल पर कितने बिंदु लिए जा रहे हैं, तीन बिंदु लिए जा रहे हैं। ये मान लिया एक बिंदु यहां पर है, कुछ भी मान लो, ए मान लो, एक बिंदु यहां पर है, बिंदु बी ले लिया, यहां पर है एक बिंदु बी, और एक बिंदु हमने यहां ले लिया, बिंदु सी। ये तीनों के तीनों बिंदु कहां पर स्थित हैं, ये तीन के तीनों बिंदु समतल पर स्थित हैं। बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए, बिंदु बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी, और बिंदु सी का स्थिति सदिश मान लेते हैं वेक्टर सी, ठीक है। ये तीन बिंदु हैं, कुछ भी मान लो, इसके कोऑर्डिनेट आप मान सकते हैं x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2, z2, इसके कोऑर्डिनेट्स x3, y3, z3। हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि नहीं तो फिगर फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर चीजें समझने में प्रॉब्लम होगी। पर अगर ये तीन बिंदु है तो उनके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, x1, y1, z1 यहां पर लिख देते हैं, नहीं वहां लिख रहे, यहां लिख देते हैं। जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और बिंदु ए का स्थिति सदिश हम क्या मान लेते हैं, वेक्टर ए।
जो बिंदु B है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, और बिंदु B का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर B। ऐसे ही तीसरा बिंदु है वेक्टर बिंदु C, निर्देशांक है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, और मूल बिंदु के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश है वेक्टर C। हमको क्या करना है, हमको इस समतल का समीकरण पता लगाना है जिस समतल में तीन तीन बिंदु उपस्थित हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हम इससे इसको मिला दें ए बी और इससे इसको मिला दें ए सी, ठीक, ए से बी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ए बी क्रॉस एसी की डायरेक्शन क्या होगी? दो सदिशों का सदिश गुणनफल याद है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की दिशा क्या होती है? ए व बी के तल के लंबवत। याद आया आपको कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा होती है ए और बी के तल के लंबवत। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि ए बी क्रॉस एसी की दिशा क्या होगी, तो ए बी क्रॉस एसी की दिशा होगी ए बी और एसी का जो तल है उसके लंबवत दिशा हो जाएगी। ए बी कहां पर है? ए बी इस प्लेन में है, एसी भी इस प्लेन में है, तो ए बी और एसी का ये तल है। तो ए बी क्रॉस एसी की जो डायरेक्शन होगी वो इस तल के कैसी आएगी? लंबवत। कैसा भी बना लो, ऐसा हम दिखा देते हैं इसको। ये डायरेक्शन किसकी होगी? ये डायरेक्शन होगी ए बी क्रॉस एसी की डायरेक्शन हो जाएगी, ए बी क्रॉस एसी की डायरेक्शन होगी। और ये डायरेक्शन जो होगी वो समतल के साथ कितना एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी प्लेन के साथ में। नहीं समझ में आया? फिर से बताइए, ए क्रॉस बी की दिशा क्या होती है? ए और बी का जो तल होगा उसके लंबवत। तो ए बी क्रॉस एसी की डायरेक्शन क्या होगी? ए बी और एसी का जो प्लेन होगा उसके लंबवत। तो ए बी और एसी का प्लेन कौन सा है? ए बी भी इसी प्लेन में है, एसी भी इसी प्लेन में है, तो ए बी और एसी का ये प्लेन हो गया। अब इसके लंबवत यानी कि इस तल के ये लंबवत आ जाएगा ए बी क्रॉस एसी। समतल का समीकरण निकालने के लिए पूरे समतल पर कहीं पर भी एक बिंदु आप पी मान लेते हैं, पहले भी मानते थे, फिर से मान लेते हैं बिंदु पी। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा, और मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश होगा वो कितना लेना पड़ेगा? वेक्टर आर, ठीक है। और एक चीज देखिए ध्यान से, अब हम इसको मूल बिंदुओं से मिलाए दे रहे हैं, ये ओ ए आ गया जिसे वेक्टर ए से लिखा गया है, ये ओ बी आ गया जिसे वेक्टर बी से लिखा गया है, और ये है ओ सी जिसका मान वेक्टर सी से लिया गया है, ठीक है ना। और यहां से हमने इसको भी मिला दिया, जरा इसको मिला दिया तो ये एपी बन गया। क्या आपको ये चित्र समझ आ रहा है? थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन आप इमेजिन करेंगे तो पूरी चीज आपको समझ में आएगी। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब आप दे देंगे। बताइए ये ए बिंदु कहां पर है समतल में, बी कहां पर है? सी समतल में है, और बिंदु पी भी हमने समतल में ही लिया है। ओ ए कहां पर है, जो ओ ए वेक्टर है ये वाला, ये समतल में बना हुआ है कि हवा में ऐसा बना हुआ? ये हवा में बना हुआ है, ये समतल ऐसे रखा है, तो ओ से ए को मिलाया तो ये तो हवा में रहना पड़ेगा ना। इसको ए ओ बी और ओ सी और ये ओ पी जो बना हुआ है, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये सब कहां पर है? हवा में। वेक्टर आर भी हवा में है। ए बी कहां पर है? समतल में। ए सी समतल में है, ए पी समतल में है। ए बी क्रॉस ए सी कहां पर है? ये हवा में बना हुआ है, ये ऐसे लंबवत है, ऐसे समतल के लंबवत है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा जरा सा कि यहां पर हम त्रिभुज नियम लगाएंगे ओ पी ए में। एक बिंदु P मान लेते हैं x कॉमा वाई कॉमा जेड, जहां
ओपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओपी की वैल्यू आएगी वेक्टर आर के बराबर। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में। देखो जरा, जो ओ ए पी त्रिभुज आपका होगा उसमें सदिश योग का नियम लगाइए, त्रिभुज नियम। क्या लगा पाएंगे हम, लिखेंगे ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। देखो कर सकते हैं कि नहीं, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। समझ आया आपको, ओ ए की वैल्यू कितनी है वेक्टर ए, ए पी हमें नहीं पता, ओ पी क्या है वेक्टर आर, तो वेक्टर ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ये समझ आया कि नहीं आया आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, वेक्टर ए बी कैसे निकाला जा सकता है, वेक्टर ए बी निकाला जा सकता है ओ बी माइनस ओ ए से, कर सकते हैं, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी और ए का पोजीशन वेक्टर है ए, इसलिए ए बी की वैल्यू आएगी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ए सी, ए सी कैसे निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये आ जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखिए और बताइए कि ये जो ए बी क्रॉस ए सी है और ये जो ए पी है, ए बी क्रॉस ए सी और ए पी, इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। कैसे मालूम, हाँ क्योंकि एपी कहां पर है, समतल पे है और एबी क्रॉस एसी समतल के लंबवत है। अब जो एपी है, एपी है वो समतल पर है और एबी क्रॉस एसी उसके लंबवत है, तो इसका मतलब एबी और एबी क्रॉस एसी दोनों लंबवत हुए कि नहीं हुए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अब चित्र से, चित्र से क्या देख रहे हैं हम, वेक्टर ए बी, ए पी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, जो ए पी है वो ए बी क्रॉस ए सी के लंबवत है। अगर ये दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए, जीरो। देयरफॉर वेक्टर ए पी डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी शुड बी इक्वल टू जीरो। ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी, एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू ये है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट ए बी क्रॉस ए सी, ए बी की वैल्यू आई है बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्रॉस ए सी की वैल्यू आई है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो। तो आप चाहें तो यहीं से छोड़ दीजिए, ये भी समतल का समीकरण है, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैसे r माइनस वेक्टर a डॉट, ध्यान से देखिएगा कैसे कैलकुलेट होगा, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्रॉस c, b को माइनस a से होगा तो माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस a को c से होगा तो माइनस a क्रॉस c, माइनस a का माइनस a से होगा तो प्लस ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो। दिस इज वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट, ध्यान से देखिएगा ए क्रॉस ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, जीरो। उस वेक्टर का उसी वेक्टर से सदिश गुणनफल कितना होता है, जीरो के बराबर। अब आप देखो ये माइनस बी क्रॉस ए है, हम इसको ए क्रॉस बी बनाना चाहते हैं तो ये माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी बन जाएगा, तो ये प्लस ए क्रॉस बी बन जाएगा फिर। तो ऐसे ही ये बी क्रॉस सी प्लस में है तो इसको हम बी क्रॉस सी ही लिखा रहने देंगे, ये माइनस का ए क्रॉस सी है इसको भी पलटना चाहते हैं तो निशान बदल जाएगा इसका भी, ये आ जाएगा सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू जीरो हो गई बराबर जीरो। ये आ गया तीन बिंदु जिनके स्थिति सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी हो, उनसे गुजरने वाले समतल का समीकरण
ये आएगा r माइनस वेक्टर a डॉट a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू जीरो। अब बताएं समझ आया कि नहीं आया ये, और ये सदिश रूप आया है, वेक्टर स्वरूप आया उसका। अभी कार्तीय रूप हमने नहीं निकाला भैया, कार्तीय रूप इसका क्या होगा, देखो सदिश रूप से कार्तीय रूप बनाना आपको बताया जा चुका है। अगर आप सदिश रूप से कार्तीय रूप बनाएंगे ना तो उसमें क्या वैल्यू मिलेगी, अगर हम इससे बनाने जाएंगे थोड़ा सा लॉन्ग बैठेगा, इसलिए हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि वहां तक आप पहुंचे उसको निकाल करके। एक चीज और आज मैं आपको बता देता हूं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर क्योंकि जरूरत पड़ जाती है यार कभी कभी तो मुझे लगता है कि बता देना चाहिए। एक होता है जैसे आप देख रहे हो अदिश गुणन सदिश गुणन आप पढ़ते हो, तो ये जो अदिश गुणन पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, सदिश गुणन आपने पढ़ा, वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ा, इन दोनों ही प्रकार के प्रोडक्ट में आपने दो दो सदिशों का यूज किया है, ए डॉट बी ए क्रॉस बी ऐसे करा है ना आपने। आप जानते हैं एक अदिश त्रिगुणन भी होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अदिश त्रिगुणन होता है स्केलर। अब अभी के लिए आपके सिलेबस में नहीं है ना 21-22 के लिए, इसलिए इसका जिक्र भी नहीं हुआ कहीं पर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है बेटा, तीन वेक्टर इसमें होते हैं और उनका ऐसा मल्टी ऐसा प्रोडक्ट किया जाता है डॉट और क्रॉस मिला के कि उनसे हमको एक अदिश राशि मिल जाती है। कुछ बात हमारी समझ रहे हैं, अभी स्केलर प्रोडक्ट कहते थे तो हमारे मन में दो वेक्टर आते थे ए डॉट बी, वेक्टर प्रोडक्ट कहते थे तो भी हमारे मन में दो वेक्टर आ जाते थे ए क्रॉस बी, पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल का मतलब तीन, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल। तो ये तीन सदिशों का ऐसा मल्टीप्लीकेशन होता है डॉट और क्रॉस का, ऐसा मिला के कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं कि उससे हमको एक अदिश राशि मिलती है, अदिश राशि। इसलिए इस प्रकार के मल्टीप्लीकेशन को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इससे एक अदिश राशि मिल जाया करेगी। अब आप जानते हैं इसका मान निकालने का तरीका हमारा क्या है, जैसे अगर वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी सब कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिए गए हों, कॉम्पोनेंट फॉर्म में वेक्टर ए दिया गया ए वन बी वन सी ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, वेक्टर बी दे दिया गया ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, वेक्टर सी दे दिया गया ए थ्री आई कैप प्लस बी थ्री जे कैप प्लस सी थ्री के कैप। तीनों वेक्टर अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म में दे दिए जाए तो इसका मान निकालने का जानते हो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छा तरीका यह है, डिटर्मिनेंट बनाओ, एक जो कोफिशियंट है उनको यहां लिखो ए वन बी वन सी वन, बी के कोफिशियंट यहां लिखो ए टू बी टू सी टू, और सी के कोफिशियंट यहां लिख दो ए थ्री बी थ्री सी थ्री। ध्यान दीजिए इसमें कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता, उस आई कैप जे कैप के कैप की जगह इसके गुणांक आ जाते हैं और डायरेक्ट यहां से आप इसका मान निकाल सकते हो। दूसरा तरीका यह था कि आप पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, फिर जो आए वेक्टर उसको ए के साथ क्या करो, तो या तो आप ये प्रोसेस अप्लाई करो, तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा पड़ता है क्योंकि पहले उसके लिए हमें बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, फिर हमें उसके साथ उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है, तो ये प्रोसीजर लंबा बैठता है। इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो तीन वेक्टर आते हैं उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो बी, अगर केवल हमें ए ना होता, थोड़ा सोचिए जरा, अगर ये ए ना होता तो बी क्रॉस सी आप कैसे निकालते थे, यहां आई जे के लिखते थे, फिर नीचे बी के गुणांक लिखते थे, फिर उसके नीचे सी के गुणांक लिखते थे, पर यहां तो ए डॉट बी है तो बस ये हमारा काम बन गया। क्या करना है, ऊपर वाली रो से आई कैप जे कैप के कैप हटा दो, ऊपर वाली रो में इसके कोएफिशिएंट लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो यही चीज तो लगभग यहां पर दिख रही है आपको, ये आर माइनस ए दिख रहा है, ये b माइनस ए और ये c माइनस ए है, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर, ये c की जगह पर, ठीक है। अगर ये ना होता तो क्या करते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन, देखो कार्टेशियन इक्वेशन डिटर्मिनेंट से निकालेंगे
थोड़ा सा सोचिए कि ये इसी तरीके का तो हमको दिख रहा है कि नहीं। अगर ये ना होता तो कैसे निकाला जाता है इसको? हम एक डिटर्मिनेंट बनाते। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ना होता उस समय की बात बताइए, ये ना होता केवल ये होते, तो क्या लिखते हैं हम बता सकते हैं? यहां पर क्या लिखते? हाँ जी, आई कैप, जे कैप, के कैप। यहां पर क्या लिखते? बी माइनस ए निकालते, उसके कोएफिशिएंट लिखते यहां पर। तो बी माइनस ए क्या आएगा? बी माइनस ए एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। और तीसरी रो में इसके कोएफिशिएंट सी माइनस ए निकालते, सी माइनस ए निकालते, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन, ये थर्ड रो बनती अगर ये ना होता। पर इसके होने से अब क्या करना पड़ेगा हमको? इसके जो वैल्यू आएगी उसके कोएफिशिएंट ऊपर वाली लाइन में दे देने पड़ेंगे हमको। तो r माइनस ए कितना बनेगा बता सकते हैं? इसके कोएफिशिएंट क्या मिलेंगे आपको? r माइनस ए, r इसका वेक्टर बनता है, तो r माइनस ए मतलब x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन। तो ये यहां x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और बराबर के उस तरफ क्या है? जीरो। ये कार्टेशियन फॉर्म आ गई उसकी। नहीं समझ में आया? आया कम आया? एक और चीज देख लीजिए, मैं आपको याद करने का एक बड़ा बढ़िया तरीका बता देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा और मेरी बातों को सुन लीजिए थोड़ा। याद करने का बढ़िया तरीका हम आपको बताए दे रहे हैं। याद करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले -x1 -x1 -y1 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 -z1 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 लिख लीजिए, ठीक। फिर x x2 x3 y y2 y3 z z2 z3 = 0। नहीं समझ में आया? तो ये थोड़ा सा आसान हो सकता है अगर आप थोड़ा सा पैटर्न इसका याद रखते हैं अपने मन में, तो ये काफी इजी पड़ेगा फिर आपके लिए और ध्यान आ जाया करेगा कभी भी आपको। समझ आया कि नहीं आया? तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहां पर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। अब देखो ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप का आ गया, यहां आ गया ना, इसलिए वो चीज आएगी, उसकी वैल्यू निकालेंगे सारणिक मेथड से। तो ये कार्टेशियन फॉर्म इसकी हो गई। अब आप मुझे बताएं समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप इसको? समझ आ गया? तो अगर तीन बिंदु हैं ए बी सी, उनकी स्थिति सदिश है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो उन तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? उन तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण होगा आर माइनस वेक्टर ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। यह भी है, यह भी आप बता सकते हो, आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और कार्टेशियन फॉर्म उसकी ये आ जाएगी। ना समझ आया तो जल्दी से नोट करिए और आगे चलते हैं फिर हम लोग। देखिए ये चौथी समतल की चौथी समीकरण यहां पर स्टडी कर रहे हैं हम। इसके पहले समतल के लिए तीन इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक समतल की समीकरण का अंतःखंड रूप। लिख लीजिए आप हिंदी में, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप, ये बड़ा आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको। आपको याद होगा जैसे आपने जब क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी सरल रेखा, उसमें रेखा का एक अंतःखंड रूप आपने पढ़ा था। अगर एक रेखा दो अक्षों को काटती हुई जा रही है और x अक्ष पर उसने a लंबाई का अंतःखंड काटा है, y अक्ष पर उसने b लंबाई का अंतःखंड काटा हुआ है, तो उस रेखा का अंतःखंड रूप कैसे निकालते थे हम?
हमारे पास फॉर्मूला होता था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन, यही तो हो जाता था। ऐसे ही थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक रेखा में तो यह गुण नहीं हो सकता कि वो तीनों अक्षों को काटती हुई गुजर जाए, पर एक समतल में यह प्रॉपर्टी हो सकती है। एक बड़ा सा समतल लाएंगे और यहां टिका देंगे तो वो एक्स अक्ष को भी कहीं कहीं काट देगा, वाई अक्ष को कहीं पर काटेगा और जेड अक्ष को भी कहीं काट सकता है। आप चाहे तो मैं उसको इस तरीके से आपको देखो बना के दिखा सकता हूं। ये फिगर, अगर एक प्लेन हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रखते हैं, अब आप ध्यान से देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या है, ये समतल के द्वारा एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है ए, यहां से लेकर यहां तक ये क्या चीज है, समतल के द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। मान लेते हैं इसकी वैल्यू बी, बी है इसकी लेंथ, और यहां से यहां तक ये समतल के द्वारा जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, और इसकी लंबाई हम कितनी माने ले रहे हैं, सी माने ले रहे हैं इसकी लंबाई। ठीक है, ये सारे एंगल 90 के हैं। अब ये बताइए कि क्या ये समझ में आया कि हम किस टाइप से फिगर बना होगा, ये नहीं समझ में आया। अरे ये आपका कोना मान लीजिए इसको, इसमें इधर एक्स अक्ष है, इधर वाई अक्ष है, इधर जेड अक्ष है। आपको समझ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा ही नहीं। एक प्लेन हम लेके आए प्लेन, और प्लेन को जाके इसमें टिका दिया। जब ऐसा यहां पर ऐसा बना होगा फिगर, ये मूल बिंदु है और यहां जाके आप ऐसा समतल को टिका देंगे इस तरह से, तो अपने आपको दिखता है कि मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक्स अक्ष को काटेगा, मूल बिंदु से कुछ दूरी पर वाई अक्ष को काटेगा, और मूल बिंदु से कुछ दूरी पर जेड अक्ष को भी काट रहा होगा। अब मेरा जेड अक्ष इतना छोटा है तो क्या करें, इतना लंबा तो नहीं हो सकता ना, पर फील करिए थोड़ा सा, उसको सोचिए कैसा हो सकता है। यहां तो एक्स अक्ष बड़ा सा है, वाई अक्ष बड़ा सा है, जेड अक्ष भी इतना सा बड़ा सा है। इसमें आप एक प्लेट लाइए बड़ी सी और वो ऐसे टिका दीजिए एक प्लेन जैसे, तो वो एक्स अक्ष को भी कहीं ना कहीं काटेगी, वाई अक्ष को कहीं काटेगी, जेड अक्ष को कहीं काट देगी। तो ए क्या है, एक्स अक्ष पर समतल के द्वारा काटा गया अंतःखंड, बी है समतल के द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, और सी है समतल के द्वारा जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ऐसी सिचुएशन पर समतल का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें कुछ नहीं करना आपको है, बस समतल का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होता था, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। समतल का समीकरण हो जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वन, ये समतल का समीकरण आ जाएगा। बस इस पर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें दे दिया जाएगा कि एक समतल है जो कि x अक्ष पर दो लंबाई का, वाई अक्ष पर तीन लंबाई का, और जेड अक्ष पर चार लंबाई का अंतःखंड काटता है, तो समतल का समीकरण ज्ञात करिए, यही सूत्र लगा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा निहायत आसान ये होता है, आप इसे नोट कर दीजिए। इसके बाद अगले प्लेन को देखते हैं, अगला कौन सा क्या पॉइंट पढ़ना है मुझे अगले में। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। लिखिए हिंदी में, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। बुआओ देखिए क्या आर्टिकल आपने लिखा है, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा। जब दो समतल एक दूसरे को काटते हैं ना, तो उनसे क्या बनती है, उनसे एक रेखा बनती है। देखिए मैं आपको एक आध चीजें बताते हैं, आप ध्यान से देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या बनता है,
पॉइंट। दो लाइंस अगर हमने ऐसे बना दिया, एक लाइन दो लाइन, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो क्या बनता है? पॉइंट। इसीलिए रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रेखाएं जब प्रतिच्छेदित करते हैं तो बिंदु बनता है। एक रेखा और एक समतल अगर प्रतिच्छेदित करेगा, ये समतल है और ये रेखा जाके ऐसा प्रतिच्छेदित करेगी, तो क्या मिलेगा आपको? उसमें भी पॉइंट मिलेगा। तो रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु कहा जाएगा। लेकिन जब दो समतल एक दूसरे को काटेंगे, एक समतल दो समतल और दोनों समतल एक दूसरे को ऐसा काट देंगे, तो आप देखो बिंदु नहीं मिलेगा, ये पूरा बॉर्डर, ये लाइन मिल रही है आपको। इसलिए दो समतल जब एक दूसरे को काटेंगे तो क्या मिलेगा? बिंदु नहीं मिलेगा, एक रेखा मिलेगी। इसलिए दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा बोली गई है। देखो जरा क्या लिखा है आपने, लिखा है आपने, ये तो नहीं लिखा गया दो समतलों के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण। क्योंकि जब दो समतल काटते हैं तो हमें पता है कि बिंदु नहीं मिलेगा, आपको एक इंटरसेक्शन लाइन मिलेगी, वो दो दो समतल काटेंगे। कहीं पर भी आप देख लो, आप देखो ये दीवार और छत जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहां क्या मिलती है पूरे में? ऐसे एक लाइन आपको मिलती है, देख रहे हैं ना? तो दो समतल कहीं पर भी काटेंगे एक लाइन मिलेगी। इसमें जैसे है, अगर हम इसका एक पन्ना ऐसे उठा लें इस तरह से, तो एक ये समतल है एक ये समतल, दोनों एक दूसरे को जहां भी काटे पूरी बॉर्डर लाइन बनी हुई है। देखिए बिंदु तो नहीं मिला ना आपको। तो एक रेखा जब दूसरी रेखा को काटती है तो क्या मिलता है? प्रतिच्छेद बिंदु। एक रेखा जब एक समतल को काटती है तो क्या मिलता है? प्रतिच्छेद बिंदु। एक समतल जब दूसरे समतल को काटता है तो क्या मिलता है? प्रतिच्छेद रेखा। इसीलिए आपने आर्टिकल लिखा हुआ हिंदी में, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। तो क्या होगा? आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा धीरे धीरे कि क्या होगा यहां पर। आंसर है, यहां पर होगा दो समतल होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? पहले आके काटेंगे, उनके काटने से एक रेखा बन जाएगी, उस रेखा से फिर एक तीसरा समतल गुजरेगा, उसका समीकरण हमको पता लगाना होगा। नहीं समझ में आई फिर से? अरे देखो आपने लिखा क्या है भाई, देखो ना आपने लिखा है दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। थोड़ा सा जोर डालो और देखिए कि क्या लिखा होगा। मतलब दो समतल होंगे, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे, तो उनके प्रतिच्छेदित करने से एक प्रतिच्छेदन रेखा बन जाएगी, फिर एक तीसरा समतल होगा, इस रेखा से गुजरेगा वो, उसकी इक्वेशन आपको पता लगानी है कि वो इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी। अब देखो मैं फिगर बनाता हूं यहां पर, आप भी थोड़ा ध्यान से कोशिश करिए समझने की। देखिए आपको समझ में आता है क्या? ये दो समतल मैंने बना लिए, देखो कि क्या लग रहे हैं कि दो समतल काट रहे होंगे यहां पर। एक ये प्लेन है ऐसा, एक ये प्लेन है, और इनकी प्रतिच्छेदन रेखा कहां पर है? ये समझ आया? अगर आप पूरा का पूरा प्लेन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि देखो ये है पहला वाला प्लेन और ये है दूसरा वाला प्लेन, और दोनों प्लेन ऐसे गए, एक दूसरे को ऐसे जाके काटना शुरू कर दिया उन्होंने इस तरह से। कुछ समझ आया? ठीक। अब एक तीसरा प्लेन आएगा, देखो ये प्लेन है, इस प्लेन को हम मान लेते हैं पाई वन, इस प्लेन को मान लेते हैं पाई टू, प्लेन को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई वन और पाई टू, इन दोनों की कुछ इक्वेशन होगी अपनी, समतल की समीकरण होती है, तो कोई भी समीकरण ले लीजिए। आपको याद होगा सबसे शुरू में समतल का अभिलंब रूप जब हमने पढ़ा था तो आपको बताया था समतल की समीकरण दो टाइप से हो सकती हैं, एक जिसमें आर डे आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी था, और एक वो जिसमें आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी था। याद है कि सब कल का कल ही छोड़ दिया आपने, रात गई बात गई, रात गई बात गई, हो गया ऐसा नहीं हुआ? देख लो ऐसा अधिकतर बच्चों के साथ होता है, बोले रात गई बात गई, कल का कौन याद रखेगा यार। देखो पाई वन प्लेन, पाई वन प्लेन की इक्वेशन आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू एन वन कैप इज इक्वल टू डी वन, क्योंकि दो दो समतल होंगे ना यहां पर, और
पाई वन प्लेन की इक्वेशन ये भी हो सकती है, क्या हो सकती है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन वन इज इक्वल टू डी वन। आर में वन नहीं लगेगा क्योंकि आर तो किसी जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। अब बताओ हमें इस समतल के बारे में कुछ कमेंट करेंगे आप, इसमें एन वन कैप क्या है, एन वन कैप क्या चीज है, अब पता लग जाएगा, रात गई बात गई, हुआ कि याद रहा आपको। हाँ जी, इकाई सदिश है, किसका, हमारा कि आपका, तो फिर पूरा जवाब बताना चाहिए ना आपको, आपको बताना चाहिए यह है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। कल हमने आपको समझाया ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो कि मूल बिंदु से ड्रॉप किया गया है प्लेन पर। d1 क्या चीज है बताइए, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी या मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है। यह बताइए वेक्टर n1 क्या चीज है, ये मूल बिंदु से जो समतल पर डाला गया लंब है वो फुल वेक्टर है ये, ठीक है। और ये d1 क्या चीज है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, याद रहेगा आपको। तो जब यहां n कैप होगा तभी ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी है, और अगर ये फुल वेक्टर है इनका तो ये मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी नहीं है, वो कोई कांस्टेंट नंबर है। अगर ऐसा प्लेन दे करके आपसे बोल दे कि मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बताइए तो क्या करेंगे आप, हाँ इसके दोनों तरफ मॉड एन से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, फिर ये एन कैप आ जाएगा। उस वक्त ये चीज जो मिल जाएगी आपको वो समतल के मूल बिंदु से लंबवत दूरी होगी। सारी चीजें याद रखिए भाई। दूसरा प्लेन वेक्टर आर डॉट एन टू कैप इज इक्वल टू डी टू, और इस फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो आर डॉट एन टू वेक्टर इज इक्वल टू डी टू। ये दो प्लेन पाई वन और पाई टू जो दिए गए हैं उनकी समीकरण हैं ये। ठीक है, ओके। अब एक समतल ये है एक समतल ये है, दोनों ने एक दूसरे को कहीं काटा तो इनके काटने से हमको एक प्रतिच्छेदन रेखा मिली। कहां है वो प्रतिच्छेदन रेखा, ये वाली है वो प्रतिच्छेदन रेखा। अब एक तीसरा समतल है वो इस लाइन से होकर गुजर रहा है, कैसे देखो जरा, वो तीसरा समतल भी देखने की कोशिश करो। ये वो तीसरा समतल है, दिख रहा है कुछ आपको, जो इस इन दोनों दिए गए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर गुजरता है, ये है वो तीसरा समतल पाई थ्री, और इसी की इक्वेशन तो हमें मालूम करनी है भाई। अब ये बताइए, ये कुछ फील हो रहा है ना आपको, कैसा प्लेन बना होगा, ये दो समतलों ने ऐसे काटा फिर एक तीसरा समतल आया जो इस पर ऐसे आ गया, उनकी रेखा से जाना शुरू कर दिया इसने। हमको इस समतल का समीकरण चाहिए, ये वाला पाई थ्री प्लेन की इक्वेशन चाहिए। कैसे निकालना है, बहुत इजी तरीका है, आपको हम मेथड बता देते हैं, आप देखिए क्या करेंगे आप। आपको करना ये है वेक्टर आर, लिख देते हैं नहीं तो ऐसा सही नहीं समझ में आएगा, समतलों पाई वन व पाई टू की, समतलों पाई वन व पाई टू की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण क्या आएगा, वेक्टर आर डॉट एन वन कैप प्लस लैम्डा एन टू कैप इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। ये आप ध्यान रखिएगा, इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाया करेगा। हाँ, इसमें जब आप इसके क्वेश्चन आएंगे ना, एक चीज और इसमें दी जाएगी कि ये जो समतल है, आपसे बोला जाएगा कि दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाले तथा
इस बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करो। एक बिंदु भी दिया जाएगा, वो जो बिंदु दिया जाएगा उसका काम कब आएगा? दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण तो ये है। अब उसके बाद उसका कैप आएगा, उसके बाद उसकी जरूरत कब पड़ेगी? बिंदु की, बिंदु की जरूरत ऐसे पड़ेगी क्योंकि ये जो समतल आएगा यही तो है वो। देखो ध्यान से सुनो, ये पहला समतल है, ये दूसरा समतल है, तो फिर ये कौन सा समतल है? ये इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला समतल है, यानी कि ये वाला प्लेन है। और क्योंकि ये वाला प्लेन एक बिंदु से गुजरता है, इसलिए ये बिंदु इस समतल को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो उस बिंदु से इस प्लेन को संतुष्ट करवाया करेंगे। फिर हम संतुष्ट करवाने के लिए क्या करते थे? एक्स वाई जेड की जगह इस बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। तो हमको एक्स वाई जेड कहां मिलेंगे? हमको एक्स वाई जेड मिलेंगे आर में। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उनकी जगह पर वो बिंदु अप्लाई कर दिया करेंगे। ठीक है, तो एक बिंदु दिया जाएगा इस प्रकार के हर क्वेश्चन में। उसकी जरूरत बस वहीं पर पड़ेगी जब आपको ये होगा, क्योंकि ये समतल उस बिंदु से गुजरता है, इसलिए वो बिंदु इस समतल को क्या करेगा? संतुष्ट। तो फिर उसमें एक्स वाई जेड की जगह पर वो बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे। और एक्स वाई जेड कहां मिलेंगे आपको? वेक्टर आर में। ठीक रहेगा, ओके। अगर ये वाले समतल है तो क्या इक्वेशन होगी? सेम। कैसे? यही लैंग्वेज इसमें भी लिख लीजिएगा आप लोग। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने लिख ली है पहले से, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन वन प्लस लैम्डा वेक्टर एन टू इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण आ जाएगा। दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण। लैम्डा कोई कांस्टेंट है अपना। और एक चीज देखिए, ये तो रहे इनके सदिश रूप, कार्टेशियन फॉर्म इनकी क्या आएंगे? बहुत इजी, ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा कि कार्टेशियन फॉर्म्स क्या रहेंगी। कार्टेशियन फॉर्म देखो, गौर करिएगा जरा। कार्टेशियन फॉर्म में हम एक इसका बता देते हैं आपको, जैसा इसका रहेगा वैसा इसका रहेगा। इसमें बउआ क्या होगा? ये आर डॉट एन वन, एन वन कोई वेक्टर होगा जिसमें लंब सदिश के क्या यूज होंगे, उसको बोलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, डी आर्स, दिक अनुपात। और ये डी वन यूज होगा। अरे कहने का मतलब बउआ ये कि एन वन भी तो कोई वेक्टर होगा कंपोनेंट फॉर्म में, N2 भी कोई वेक्टर होगा कंपोनेंट फॉर्म में, और R तो फिक्स है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बाय चांस अगर हम ये मान लें कि R की वैल्यू क्या है, R है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट डॉट N1, N1 और N2, क्योंकि फुल वेक्टर ले रहे हैं इसलिए इनके दिक अनुपात यूज होंगे। वो दिक अनुपात होंगे ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप प्लस लगाया लैम्डा वेक्टर एन टू, तो ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ये इसका हो गया इज इक्वल टू डी वन प्लस लैम्डा डी टू। थोड़ा इत्मीनान से देखिए, R की जगह पर हमने ये लिखा N1 A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप प्लस लैम्डा इनटू N2, लैम्डा N2 की जगह A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। A1 B1 C1 क्यों लिया है? क्योंकि दिक अनुपात यूज हो रहे हैं। हम चाहे तो स्मॉल भी ले सकते थे पर कैपिटल ले लिया हमने। D1 प्लस लैम्डा D2 वो बराबर के उधर चला गया। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करो प्लस इसका इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट करो। तो जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बताइएगा मुझे? ये आ जाएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड। ठीक है, और एक चीज देखो, उधर से डी वन हम इधर ले आ रहे हैं,
तो ये डी वन कैसा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसमें। प्लस कहाँ है प्लस, ये वाला प्लस। अब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करिए तो ये लैम्डा बाहर है, बना रहने दीजिए बाहर। इसका इससे डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड। और ध्यान से देखो, ये वाला लैम्डा डी टू भी इधर ले आओ, तो इसके पास भी लैम्डा है, इसके पास भी लैम्डा है, कॉमन करके ये डी टू बराबर जीरो, ये ऐसा बन जाएगा। नहीं समझ आया? अरे आप देखो, इसका इससे कराए होगे तो क्या आया होगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस लैम्डा ए टू एक्स प्लस बी टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू लिखोगे, डी वन प्लस लैम्डा डी टू लिखोगे। डी वन और डी टू भी इधर ले आओ, तो डी वन इसको दे दो और डी टू के साथ, क्योंकि लैम्डा है तो लैम्डा वाली टर्म इसको दे दो क्योंकि इसके पास भी लैम्डा है, इसलिए। तो ये आपका बन जाएगा कौन सी इक्वेशन, कार्तीय समीकरण बन जाएगी समतल की, ठीक है ना, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ये आ जाएगा आपका। वेक्टर फॉर्म भी मिलेगी आपको और कार्टेशियन फॉर्म भी इसकी बन गई है, आप नोट करें जल्दी से। इसके बाद और देखते हैं क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग ले रहे हैं कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस, दो रेखाओं का सहतलीय होना, ठीक है, लिखो जल्दी से, दो रेखाओं का सहतलीय होना, कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस, दो रेखाओं का सहतलीय होना। दो रेखाओं का सहतलीय होना एक्स वाई और जेड एक समतल मान लेते हैं कहीं पर भी, ऐसे एक हमने प्लेन मान लिया, ये दो रेखाओं का सहतलीय होना। बताएं आपको, देखो अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर दो रेखाएं हैं और वो एक ही समतल में पड़ती है तो उनके लिए शर्त क्या बनेगी, समझ आ रहे हैं, किसी की इक्वेशन नहीं बता रहे हैं हम आपको, हम ये बता रहे हैं कि अगर दो रेखाएं एक ही प्लेन पर पड़ती हैं, जैसे एक ये एक प्लेन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे कैसे भी जा रही है, अब वो एक ही समतल में है, इसके लिए कैसे आप प्रूफ करोगे कि दो लाइन एक ही समतल में है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, आप ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। दो लाइंस, आपको याद है लाइन की समीकरण क्या होती है, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर वन की इक्वेशन ले लेते हैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा वेक्टर बी वन। आपको याद है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी, ये रेखा का समीकरण होता था, और समतल का समीकरण होता आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। रेखा और समतल के समीकरण में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए आप। रेखा दो एक है, उसकी इक्वेशन है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी टू। क्या अगर रेखा का समीकरण आर बराबर ए वन प्लस लैम्डा बी वन है तो क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक लाइन है जो बिंदु ए से होकर जाती है, एक ऐसे बिंदु से जाती है जिसका स्थिति सदिश क्या है, ए वन, और एक वेक्टर है बी बी वन उसके समांतर है, एक दूसरी लाइन है वेक्टर आर इज टू ए टू प्लस म्यू बी टू। इसका क्या मतलब है, ये दूसरी वाली लाइन एक ऐसे बिंदु से जाती है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए टू है और एक दिया गया वेक्टर बी टू है उसके कैसी है, समांतर है। कुछ बात समझ में आई आपको? अब ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी लाइन हम मान लेते हैं, एक लाइन तो हमने मान लिया, ये ऐसी लाइन मान ली, सपोज दिस इज लाइन एल वन, ये और ये समतल पे है, लाइन L1 एक बिंदु से होकर जाती है बिंदु A जिसका स्थिति सदिश कितना है, वेक्टर A1। तो अगर ये मूल बिंदु है तो यहां से हम इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, A1, उसका अपना कोई वैल्यू होगा एक दूसरा। और हां, A से तो होकर जाता है, उसका स्थिति सदिश A1 है, पर ये लाइन एक सदिश के समांतर भी तो है, कौन से सदिश के समांतर है ये,
वेक्टर बी वन के, तो कहीं वेक्टर बी वन होगा उसके ये समांतर होगे, तो वेक्टर बी वन हम बना लेते हैं कहीं पर, इधर की तरफ कहीं बनाएंगे हम, ठीक है। ये हमने वेक्टर बी वन बना लिया ऐसे, ये हमने बना लिया वेक्टर बी वन। अब देखो इस बिंदु से जाती है, उसका स्थिति सदिश ए वन है और इस सदिश के समांतर है लाइन। लाइन में तो आप ये नहीं कह सकते ना कि इधर की तरफ ही वेक्टर बनाओ, लाइन के तो दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे बना दिया हमने। आ रहा है समझ में आपको? एक और भी लाइन है, लाइन नंबर टू, वो लाइन कैसे भी बना दो आप, कहीं से भी बना दो, ये इस समतल पर वो लाइन हमने बना दी, देखिए दिस इज लाइन नंबर टू। ये जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु का स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर ए टू। तो ये जिस बिंदु से जाती है, मान लिया कि ये बिंदु बी से जाती है और मूल बिंदु के सापेक्ष इसका जो स्थिति सदिश होगा वो किससे लिखा जा रहा है? वेक्टर ए टू से लिखा जा रहा है। और ये वाली लाइन भी तो किसी वेक्टर के समांतर है, किस वेक्टर के समांतर है? ये वेक्टर बी टू के समांतर है, तो वो वेक्टर बी टू भी बनाओ कहीं। हम क्या करते हैं, वो वेक्टर बी टू को हम यही बना देते हैं, देखो ऐसे बना देते हैं, देख रहे हैं, ये लाइन वेक्टर बी वन के समांतर है, ये लाइन वेक्टर बी टू के समांतर है, समझ आया? अब आप सोचोगे ये क्या जरूरी है कि वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू दूसरे को काटे ही और इसी जगह पर हों? नहीं जरूरी है यार, बिल्कुल नहीं जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। तो फिर कैसे बना दिया आपने ऐसा? आपने एक पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर तो पढ़ा है ना, तो अगर ये बी वन यहां भी होता ना कसम से और ये बी टू यहां कहीं होता तो हम फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट इनको पास ले आ सकते थे, ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे? डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। तो हमने नहीं चेंज करा, उन दोनों को पास पास लेके चले गए और ये वेक्टर बी वन और वेक्टर बी टू बना दिया। अब बताइए कोई प्रॉब्लम आपको? सॉरी, अब ये मुझे बताएं, अगर हम बी वन क्रॉस बी टू आपसे पूछें, बी वन क्रॉस बी टू, सोच समझ के बताइएगा उसकी डायरेक्शन इसके तल के लंबवत होगी कि नहीं? ये आएगी वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, ये इस तल के कैसी आएगी? लंबवत, प्लेन पर लंबवत होगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही समतल, दोनों ही सदिश समतल पर है ना, और b1 क्रॉस b2 की दिशा b1 और b2 के तल के लंबवत होगी, तो b1 और b2 का जो प्लेन है वो समतल है और उसके लंबवत b1 क्रॉस b2 आ जाएगा आपका। समझ आई बात आपको? अच्छा, इसी समय हम ऐसा करना चाहते हैं कि ab को मिलाना चाहते हैं हम, भाई कोई दिक्कत आपको? मिला दिया भाई हमने ab को, ये ab हो गया। अब बताइए वेक्टर a1 कहां है, हवा में है कि समतल में है? सोच के, हवा में है। वेक्टर ए टू हवा में है, ए बी कहां पर है? ये समतल पर है, क्योंकि ए भी समतल पर है, बी भी समतल पर है और ए से हमने बी को मिला दिया है, ये समतल पर है। ये क्या है? हवा में है और समतल पर लंब है, बस यही तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये समतल पे है और ये समतल पर लंब है। मतलब साफ है कि वेक्टर ए बी और बी वन क्रॉस बी टू दोनों आपस में कैसे होंगे? लंबवत होंगे। और हमने शुरू से आखिरी तक तो यही किया है, दो लंबवत ढूंढ लेते थे, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देते थे, यही शर्त दे देगा आपको। अब आप मुझे बताइए हम वेक्टर ए बी कैसे निकालें? वेक्टर ए बी निकालेंगे वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, मतलब वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ओ ओ बी ए टू है, ओ ए है ए वन, ए टू वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? वेक्टर ए बी की वैल्यू आ गई। और बी वन क्रॉस बी टू वो लिखा हुआ है। अब आप देखें, क्योंकि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी वन क्रॉस बी टू ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, क्योंकि वेक्टर ए वन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, देयरफोर ए बी की वैल्यू क्या होगी? चलो अच्छा, ए बी डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू शुड बी इक्वल टू जीरो, इसको इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए क्योंकि दोनों परस्पर लंबवत हैं।
वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी आई है, वेक्टर ए बी की वैल्यू आई है वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। अगर दो रेखाएं आपस में, अगर ये वाली दो रेखाएं वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 और वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2, अगर ये दो लाइंस आपस में एक समतली है ना, सहतली हैं, तो फिर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 का मान कितना आ जाना चाहिए, जीरो। अगर ये जीरो आ गया निकालेंगे, अगर जीरो आ गया तो कह देंगे कि दी गई दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, सहतली हैं। अब आप ये बताइए, आप समझ पाइए, मैंने बोल दिया इसलिए आपने हां कर दी, आप समझे कि नहीं समझे, या हमने बोल दिया इसलिए आपने हां कर दिया, आए समझ में, नहीं आया, आ रहा है ना कि ए बी तल पर है और बी वन क्रॉस बी टू उस तल पर लंबवत है, तो दोनों अगर लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसा आना चाहिए, जीरो, इसलिए ये कंडीशन बन जाएगी इसकी। जब आप चीजों को ऐसा अंदर से समझते हैं ना, तो आप जानते हो फॉर्मूला आपको अलग से रटना नहीं पड़ता है, आप जब क्वेश्चन लगाने चलोगे और वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी ना, आपके मन में आएगा कि यार ये हमने कैसे करा था, और वहां से भले ये नहीं करेंगे उस वक्त हम, पर फॉर्मूला ही याद आ जाया करेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस, कि दो लाइनें अगर एक समतली हैं तो उनके लिए शर्त लगा करेगी, ठीक है। आप प्लीज नोट कर ले, एक छोटी सी चीज बची हुई है उसको कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं फिर, ठीक है, जल्दी से हाथ चलाइए। इसका कार्तीय रूप भी देख लीजिए क्या बनेगा, आप बना सकते हो, देखो कार्तीय रूप इसका क्या बनेगा, a2 टू माइनस ए वन, बउआ ये बिंदु मान लिया x1 y1 z1 है, और ये वाला बिंदु मान लिया x2 y2 और z2 है, तो बिंदु a का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बिंदु b का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ये जो b1 है ना, b1 इसको कुछ मान लीजिए आप a1 i कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और ये वेक्टर बी टू को मान लीजिए ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, बउआ हो। तो ये बिंदु क्या माने, एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू और वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू, इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर बनाना होता तो क्या बनेगा, देख लीजिए कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनेगा, ये मुझे याद नहीं रहा इसलिए अभी बताए दे रहे हैं हम आपको। तो पहले a2 टू माइनस ए वन, देखो बउआ आपने फिर से अदिश त्रिगुणन बन गया है, a डॉट b क्रॉस c स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान कैसे निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट से, उस डिटर्मिनेंट में इसका जो कोएफिशिएंट हो गया वो ऊपर आएंगे, a2 टू माइनस ए वन का क्या होगा, a2 टू माइनस ए वन एक्स टू माइनस x1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और यहां पर आ जाएगा z2 माइनस z1, बउआ इतना समझ आया। दूसरे लाइन पे कौन आएगा, b1 के कोएफिशिएंट्स आएंगे, b1 के मतलब a1 b1 c1, तीसरे लाइन पे b2 के कोएफिशिएंट्स आएंगे a2 b2 c2, कोएफिशिएंट्स का कहने का मतलब आप कह सकते हैं दिक अनुपात आएंगे। ये कार्तीय रूप में बनेगा अगर आप इसी को प्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस की कंडीशन निकालना चाहते हैं तो कार्तीय रूप में शर्त आएगी। इससे ये बनाना समझ आ गया ना है आपको, ठीक है, आप नोट कर दीजिए, एक छोटी सी चीज है उसको कर लेते हैं। अगला आर्टिकल हम लोग ये ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, समझ गए होंगे आप, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक बिंदु की दूरी फ्रॉम अ प्लेन एक समतल से, मतलब एक बिंदु होगा एक समतल होगा, इस समतल से उस बिंदु तक की डिस्टेंस निकालनी अगर कभी आती तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। ये मैं एक छोटा सा फिगर आपको बना लेता हूं, देखिए ये एक्स ये वाई और ये जेड, कैसा भी आप प्लेन बना लीजिए, इस तरीके से ये एक हमने प्लेन बना लिया, ठीक है। अब इस प्लेन पर, इस प्लेन की कोई इक्वेशन होगी अपना, इस समतल की इक्वेशन हम मान लेते हैं r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d,
समतल की इक्वेशन इसी टाइप की तो होती है। अच्छा, ये इस प्लेन की इक्वेशन है। यहां कहीं एक पॉइंट है बिंदु P, इसके निर्देशांक हैं x1, y1, z1। हमें यहां से समतल की लंबवत दूरी पता लगानी है। जैसे आपको याद है, एक जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या एक बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी नहीं निकालते थे, उसी के तर्ज पर यहां पर यह बना है आर्टिकल, एक बिंदु से एक समतल की लंबवत दूरी। तो हम इस बिंदु से समतल पर क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। ये हमने इस बिंदु से इस समतल पर लंब डाला और बस यही डिस्टेंस हमको मालूम करनी है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, इसकी लेंथ कितने के बराबर बनेगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है आपकी वो आएगी d इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, एक चीज और मैं बता दूं, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से इस बिंदु के जो हम स्थिति सदिश है ना बेटा वो a माने ले रहे हैं, तो इसमें वेक्टर a क्या चीज है, उस बिंदु का स्थिति सदिश जहां से हमें समतल की दूरी मालूम करनी है, वेक्टर a मान लेंगे। तो इसका फॉर्मूला बनेगा वेक्टर a डॉट वेक्टर n माइनस d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। एक बिंदु से एक समतल की लंबवत दूरी का यह फॉर्मूला आपका होगा। ठीक है, इस तरीके से आप चाहें तो ये वाला मॉड यहीं तक लगाइए, आप चाहें तो नीचे तक लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों हालातों में सेम ही आएगा आपका। ठीक है ना, दोनों का मॉडुलस ही हमको करना है, आप चाहें तो बस यहीं तक कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, वैल्यू तो आप पूरी पूरी वही निकाला करोगे ना। इतना समझ आ गया आपको? तो फिर से एक बार, वेक्टर ए क्या चीज है, उस बिंदु का स्थिति सदिश जिस बिंदु से हम समतल पर लंब डाल रहे हैं, जहां से लंबवत दूरी हमको निकालनी है। ये वेक्टर एन कहां से मिलेगा, वो तो समतल में लिखा होगा ना। डी कहां से मिलेगा, समतल में लिखा होगा, वो वहां से मिल जाएंगे। और ये मॉड ऑफ वेक्टर एन, ये उस बिंदु से समतल की लंबवत दूरी हो जाएगी। यही दूरी अगर मूल बिंदु से निकालनी होती तो आप क्या करते, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी, मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी। बुआ देखो, अगर यही दूरी मूल बिंदु से निकालनी होती तो जैसे अभी हमने इस वाले पॉइंट से समतल की लंबवत दूरी निकाली है, फिर इसकी जगह पर क्या लेते हम, इसकी जगह पर मूल बिंदु लेते, क्योंकि मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकालनी है। उस वक्त आप बता सकते हैं कि वेक्टर ए का मान क्या होता, जीरो हो जाता ना, क्योंकि आप P वाला जो बिंदु x1 y1 z1 लिया है, अब उस समय क्या लेते आप, 0 0 0 लेते मूल बिंदु, फिर तो वेक्टर A का मान 0 हो जाता। अगर वेक्टर A 0 हो जाता तो लंबवत दूरी क्या आती, मॉड ऑफ माइनस d अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n। ये किसी भी समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी हो जाएगी। अब देखो एक छोटी सी चीज हम आपको याद दिलाएं, आप ध्यान दीजिए, जब यह समतल होता था और अगर ऐसा समतल देकर आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी निकालो, आप क्या करते, क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड ऑफ एन से डिवाइड करेंगे आप, तो वेक्टर एन, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन इज इक्वल टू डी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। और उस समय ये क्या बन जाता था, उस वक्त, उसके पहले तक ये कॉन्स्टेंट है, पर उस समय यह मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी बन जाती है। और देखो वही तो यहां पर आ रहा है, अरे मॉड लगा है, आप हटा दोगे माइनस इसका, तो डी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर एन आ गया कि नहीं आ गया। तो मूल बिंदु से समतल की लंबवत दूरी के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई बिंदु दिया है वहां से समतल की दूरी के लिए, लंबवत दूरी के लिए आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। और इस तरीके से एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो 11.3 से पहले जो एग्जांपल्स हमको मिलते हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे, आगे बहुत सारी पढ़ाई के लिए। ओके, थैंक यू।